नमस्कार दोस्तों, गौरव नीटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का टू कलर में नीटिंग डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न के ऊपर दूसरा है इस तरह से, और यहाँ पे ये देखिए ब्लॉक टाइप में है। ये वाला पैटर्न मैंने ऊपर इस तरह से बनाया है, ये देखिए ब्लॉक टाइप में है ये। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, जब हम अपना ये पैटर्न डिज़ाइन जो है बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो हमने लगा लेनी है सीधी सिलाई। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया, और उसके बाद एक दो सिलाई सीधी सीधी लगा लेंगे इस तरह से, जो हमारा बेस कलर होगा। जैसे इसमें पिंक कलर है, और जो डिज़ाइन हमारा है वो बनेगा हमारा इस ब्लू कलर के ऊन से। तो अब हमें करना क्या है, सिंपल लगाने के बाद जो हमारी निडिल है इन्हें हम आगे की तरफ करेंगे, जितने भी निडिल है इन्हें हम कर लेंगे आगे की साइड। और जिस साइड हमारा धागा होगा, ये ऊन जो है, अगर ये हमारी राइट साइड भी होगी तो भी, और इस साइड है तो भी, हम इसे किस तरह से करेंगे ये देखिए। सीधी हमने जब सिलाई लगाई तो वो पिंक कलर था। अब हमें डिजाइन जो डालना है वो डालना है हमें अपने इस कलर के धागे से। तो इसमें हमने देखिए स्टार्ट किस तरह से करेंगे। ये जो धागा है ये एक निडिल के ऊपर से ले गई मैं इस तरह से। अब तीन निडिल के नीचे से हम इसको ले जाएंगे, थ्री निडिल के अंडर से नीचे से इसे लेके जाएंगे, फिर जो वन निडिल होगी उसके ऊपर थ्री निडिल, नीचे इस तरह से हम ले जाएंगे। मतलब तीन जो हमारी निडिल होगी उसके नीचे से हमारा धागा आएगा, और एक निडिल के ऊपर से इस तरह से इस धागे को हम ले जाएंगे। फिर तीन के नीचे और एक ऊपर, तीन के नीचे से जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक निडिल जो ये है इसके ऊपर से हमने धागा लेके गए थे। अब साइड में हमारे तीन जो निडिल बची है उसे हम ऐसे रखेंगे, जो धागा है इसे ऐसे रहने देंगे। अब जो हमारा लगा हुआ है धागा पिंक पिंक कलर में जो बेस है, उससे हम अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ठीक है। फिर से हमने जो निडिल हमारे पीछे की साइड है आगे करेंगे, और देखिए जो ये पिंक, ये जो ब्लू कलर का हमारा धागा है जिस निडिल पे ये है, अभी तीन फंदे हमारे ऐसे छूट गए थे, फिर जो चौथी निडिल है हमारी उस पे हमारा ये ब्लू कलर का धागा आया था। ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट हमारा धागा कहाँ पर था। अब इन निडिल को फिर से हम आगे करेंगे। देखिए, तीन निडिल हमारी वैसी, हमने हमारा जो ये निडिल थी इस पे थी, और ये तीन निडिल हमारे ऐसे ही छूट गए थे, तो बस बिल्कुल वैसे ही ले जाएंगे, तीन निडिल के नीचे से और एक के ऊपर से इस तरह से, जहां से हम अपनी लेफ्ट से राइट लाए थे वहीं से ले चलेंगे इनको भी इस तरह से, तीन निडिल के नीचे से और एक निडिल ऊपर, फिर तीन नीचे इस तरह से ले जाएंगे इसको। ये देखिए, ये जो धागा है इसको बिल्कुल हल्का सा लूज हम रखेंगे, फिर पैटर्न हमारा बहुत अच्छे से आएगा। अब इसे ऐसे ही रख देंगे, छोड़ देंगे इस धागे को हम इस तरह से। फिर हम जो हमारा कैरेज पे धागा लगा है उससे हम लगाएंगे एक सिलाई। ये देखिए, तो ये दिख रहा है आपको खुला हुआ, वन टू, दो बार सिलाई लगा दी हमने। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमने इन निडल को आगे की साइड कर लेना है। ये निडल को फिर हम आगे करेंगे, आप ये जो हमारा ब्लू कलर में धागा था जिस तरह से हम इसको लेके गए थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसे ही ले जाएंगे इस तरह से। एक के ऊपर से ले गए हम जो किनारे की निडल है, फिर तीन के नीचे से ले चलेंगे, फिर एक निडल के ऊपर से धागे को ले जाएंगे, फिर तीन निडल के हम नीचे से ले जाएंगे, फिर एक के ऊपर और तीन के नीचे से। तो इस तरह से हमने इसे लेके जाना है। ये देखिए, फिर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। कैरेज पे हमें कुछ भी नहीं करना, ना धागा चेंज करना, ना ही हमें हुक पीछे करना है। बस जो हमारा लगा हुआ है धागा वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सिर्फ हमें इस धागे से अपना काम करना है, और जो धागा हमें लगा है वह कैरेज हमें दूसरी साइड लेके जाना है। तो हमने अपने हाथ से जो है एक बार इस पे इस तरह से धागा लगा दिया है। अब हम कैरेज को अपनी राइट साइड ले जाएंगे।
ये देखिए, अब देखिए तीन बार हमने इसी तरह से किया है, 1, 2 और 3। ये देखिए तीन बार कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो साइड के हमारे तीन फंदे हैं, इस सिंगल नीडल पे हमने इस तरह से इनको इसके नीचे से ले जाते हुए जाना है, और जो सेंटर की होगी, तीन फंदों पे तीन नीडल हमने, जो तीन नीडल थे हम नीचे से इस धागे को लेके गए थे, ये देखिए, तो उसकी सेंटर की जो नीडल होगी उस पे हमने इसको इस तरह से ले लेना है, ये इस तरह से, ठीक है। फिर इसको भी ऐसी इन तीन जो ये हमारे ब्लू कलर के फंदे हैं उनको हमने लेना है नीडल पे, और जो बीच की नीडल होगी हमारी उस पे हम इस तरह से इन फंदों को ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और नीडल हम इस तरह से पीछे करते हुए जाएंगे इसको, ये देखिए। तो इस तरह से हमने जो हमारी जो तीन नीडल थे उसके, अब ये देखिए उसके बीच में हमने इन फंदों को ले लिया, इस नीडल को इस तरह पीछे कर लेंगे, और अब यहां से ये हमारा धागा खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से हम एक सिलाई अपनी लेफ्ट साइड ले लेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अब इतना हमने कर चुके हैं, हम ये फंदे जो हमने ले लेंगे, देखिए तो इस तरह से ये ब्लॉक टाइप के बन के आ गए, देखिए ठीक है। अब हम एक सिलाई अपनी लेफ्ट साइड लगा लेंगे, ये देखिए, और जैसे हम अभी हमने किया है बिल्कुल वैसे ही करते हुए जाएंगे हम। ये नीडिल है हमने आगे की तरफ करनी है, देखिए अगर आप बनाना चाहते हो इस तरह का, इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे ये देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से अगर आपको बनाना है, तो जो हमने अभी पैटर्न किया है बिल्कुल हम उन्हीं नीडिल पे, जो जिस पे हमारा ये ब्लू वाला धागा ऊपर से एक और नीचे तीन था, बिल्कुल उसी पे हम रिपीट करते हुए जाएंगे, तो ये एक के ऊपर इस तरह से पैटर्न बन के आएगा एक के ऊपर, ठीक है, रो में। और अगर आपको ये ब्लॉक टाइप में चाहिए, ब्लॉक टाइप में चाहिए इस तरह से, तो ये हमें किस तरह से बनाना है, देखिए इसके लिए हम, अब ये जो हमारा धागा है ये हमारा राइट साइड आ गया, अब हमें क्या करना है, यहां हम एक नीडिल छोड़ेंगे, सॉरी एक नीडिल के हाँ एक नीडिल छोड़ेंगे, और अब देखिए जो ये इधर की नीडिल हम छोड़ेंगे, और जो दूसरे नंबर की नीडिल उसके ऊपर हमको ये लेना है, ये इस तरह से, फिर तीन नीडिल के नीचे से ले जाएंगे और एक के ऊपर, अब इस तरह से करेंगे, एक के ऊपर ले लिया, अब तीन के नीचे, फिर एक के ऊपर से, फिर तीन के नीचे से लाएंगे और एक के ऊपर, और इस तरह से हमने ये करना है पूरा, ये इस तरह से तीन तीन तीन। तो अब साइड में है सिर्फ दो फंदे रह गए ऐसे ही, अब एक सिलाई लगाएंगे, फिर पीछे की नीडल आगे करेंगे, अब जिस पे हमारा ये धागा था, देखिए दो नीडल छोड़ के तीसरे पे हमारा ये धागा सिंगल नीडल पे था, और फिर तीन नीडल के नीचे से होके आया था, ये देखिए इसी तरह से करते हुए जाएंगे हम इसको भी, इस तरह से, ये देखिए। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो ये सेकंड नीडल पे थी, सेकंड नीडल पे सिंगल फंदा था, और एक हमारा ऐसी था, तो इसका मतलब ये है कि हमने धागा बिल्कुल ठीक लगाया है। अब हम फिर एक सिलाई लगा लेंगे, अब दो बार हमने ऐसी कर दिया, एक बार फिर से हमें वही रिपीट करना है, जिस नीडल पे हमारा सिंगल धागा था उसके हम, मतलब जिसके हम ऊपर से लेके जा रहे थे, जिस नीडिल के उसके ऊपर से लेके जाएंगे, और फिर जो नीचे वाली हमारी नीडिल थी उसमें हमने तीन ऊपर से तीन, ऊपर से एक और नीचे से तीन, हम इस तरह से करते हुए ले गए थे, तो ये हमारी ऐसी रखी थी हमने, इसके ऊपर से फिर तीन फंद, जो तीन नीडिल है उसके नीचे से एक ऊपर,
और इस तरह से हमने ये और ये देखिए और साइड में मेरे दो फंदे ऐसे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह धागा हमने बिल्कुल अच्छे से लगाया है। फिर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए तीन बार जब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमने फिर से ये देखिए, अब ये जो तीन फंदे इसके बीच का फंदा कौन सा है, ये वाला। ये देखिए ये तो हमारा सिंगल था, इस पे दिख रहा है आपको, ये भी सिंगल है और फिर ये तीन हो गए फिर सिंगल। तो जो ये लंबी सी हमारी एक लूप जैसी लंबी लाइन सी बनी हुई है, इसके जो बीच का फंदा होगा तो इस पे हमने इनको ट्रांसफर करना है, ये इस तरह से। अब मैंने देखिए इन फंदों को निडिल पे डाल दिया और ये निडिल हम हल्के पीछे कर लेंगे क्या, तो जो हम जब सिलाई लगाएंगे तो इसके धागे खुलने नहीं चाहिए। तो मैं निडिल पीछे किया और एक सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हमने फिर से स्टार्ट किस तरह से करना है, अब ये हमको ध्यान दे रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो पहली निडिल है उसके ऊपर से हम धागा लेके गए थे और फिर तीन निडिल के नीचे से, और इस तरह से हमारा देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो सिंगल निडिल है उसके ऊपर से ले गए थे, फिर तीन फंदों के नीचे से ले गए थे, ठीक है ये। और जब हम सेकंड टाइम जब हमने किया था तो हमारा धागा किस साइड था, राइट साइड, और राइट साइड से हमने एक निडिल छोड़ के फिर सेकंड निडिल के ऊपर से ले गए थे, फिर उसके बाद जो तीन निडिल उसके नीचे से ले गए थे, ये आपको ध्यान देना है, इससे डिजाइन इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए पैटर्न हमारा ये देखिए इसी तरह से बन के आएगा दो कलर में, और ये आप बच्चों के स्वेटर में या कार्डिगन वगैरह किसी पे भी डाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।